गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ अंकेश बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज की डेट सबसे पहले बता देती हूँ, तो आज की डेट है 6th of September और आज है मेरे ऑफिस का सेकेंड डे। तो अभी मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा वर्कलोड कम है। धीरे धीरे क्या होगा कि वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो पता नहीं कितने ब्लॉग आ पाएंगे, कैसे आ पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जितना बन जाए उतना अच्छा है। और कल का दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। सब सारी चीज़ें, इंडक्शन वगैरह हुआ, ब्रीफिंग हुई मेरी, सबसे मिली मैं, डॉक्यूमेंटेशन किया सारे HODs से, जितने भी डिपार्टमेंट में से जितने लोग हैं सबसे मिली मैं। तो कल का दिन तो बहुत अच्छा गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि काम बढ़ता जाएगा। तो अभी एक सर है जो इवेंट में काम करते हैं, जो जिनकी टीम में हम लोग हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके यहाँ पे, घर के पास में ही रहते हैं। तो उनसे मैं डेटा लेने वाली हूँ, लैपटॉप लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप हो गया है ख़राब, तो वो बना नहीं है अभी तक। तो सर अभी लैपटॉप दे रहे हैं मुझे, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि क्या होगा, अभी एक आध हफ्ते मेरे को सीखने में जाएंगे कि वहाँ पर क्या कैसा शेड्यूल है। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इवेंट की जॉब ऐसी है ना कि ऑफिस में बैठ के, चेयर पे बैठ के काम करने वाली जॉब नहीं है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया है, आपको फील्ड पे भी काम करना पड़ेगा प्लस ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा। नए नए लोगों से मीटिंग्स होंगी, नए नए क्लाइंट्स आएंगे, उनको हैंडल करना पड़ेगा, उनसे डील करनी पड़ेगी। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने किया हुआ है, तो मुझे और भी मज़ा आने वाला है। तो बस इसलिए मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अभी सब बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा कम काम है, धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो मज़ा भी आ रहा है और नई बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेंगी। क्योंकि मैं 3 साल बाद जॉब ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया है 3 सालों में। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, वो सारी चीज़ें मुझे अभी सीखनी है। तो एक आध हफ्ते में रूटीन में आ जाऊँगी। और रही बात घर की, तो मेड आ गई है कल से, तो उसने अपना काम कर दिया था और अंशु बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। मुझे इतना बिलीव नहीं था कि वो कर पाएगी, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं किया, वो भी हॉस्टल में रही है हमेशा, तो उम्मीद नहीं थी इतनी। बट उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, अपना वर्क फ्रॉम होम भी था उसका, उसने वो भी किया, प्लस आशुत को भी हैंडल किया। क्योंकि आशुत के साथ रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे पता है वो कितना फंसी है, उसके साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ घर की भी टेंशन थी कल मुझे, बट जब मैंने देखा कि चीज़ें थोड़ा मैनेज हो रही हैं, तो 2-4 दिन में चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी। एक हफ्ते में हम रूटीन में आ जाएंगे। और सौरभ भी वहाँ अच्छे से सेटल डाउन हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं अच्छी जगह पे, और जॉब भी उन्हें अच्छे से ज्वाइन कर ली है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी फटाफट से निकलती हूँ, मुझे सर के घर पे जाना है और आज 1 घंटे पहले मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि थोड़ा डेटा वगैरह कलेक्ट करना है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, मैं निकल गई हूँ, पहले सर के यहाँ जाती हूँ, सारी डेटा सारी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद 11 बजे तक निकल जाऊँगी ऑफिस के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, मैं मिल ली हूँ सर से, और यार शिट, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं मैम से मिल ली हूँ और सर से भी मिल लिया मैंने। मैम भी एक्चुअली इवेंट का काम देखती हैं, तो दोनों से मिल लिया है, लैपटॉप ले लिया है उनका, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब था, मैंने अभी बताया था आपको। अभी बज रहा है 10:30, तो मैं सोच रही हूँ निकल ही जाऊँ ऑफिस के लिए, तो टाइम से पहुँच जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली ये बाईपास है, जिसे क्रॉस करके होटल के लिए निकलना पड़ता है, तो ऑटो वाला मुझे यहीं छोड़ सो फाइनली ऑटो मिल गया था मुझे आज, जल्दी वेट नहीं करना पड़ा, तो मैं आ गई हूँ अभी। और थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, तो बस अभी निकल रही हूँ। यहाँ पे बज गए हैं अभी सुबह के 11 और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस। ऑफिस पहुँचने के बाद 10 मिनट लगते हैं अपने आप को थोड़ा सेटल करने में, उसके बाद मैंने सोचा काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि शाम को क्लाइंट मीटिंग वगैरह रहती है, तो फिर सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना पड़ता है पहले से। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, जो होटल में जो फंक्शन हो चुके थे तो उसका वीडियो चल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले, अभी इस टाइम पे आई थिंक कोई आया नहीं था, सिर्फ मैं ही अकेले थी, और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना थोड़ा बहुत काम जो भी था। सो गाइज, मैं आ गई थी ऑफिस और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, 10:30 में पहुँच गई थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा काम स्टार्ट कर देते हैं, जो भी डेटा सर से लिया है वो थोड़ा देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं क्या है कैसा है, तो धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा 1-2 दिन में। और अभी कोई आया नहीं है, जो भी मेरी टीम पे कोई भी नहीं आया है, सब 11 बजे आएंगे। मैं भी कल से एक्चुअली 11 बजे आऊँगी, मुझे सर के यहाँ जाना था इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। तो बस अभी काम स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मेरी सुबह वाली चाय आ गई है, एंड उसके बाद कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे मैंने, वो निकाले, एंड देन उसके बाद स्टार्ट किया कुछ काम, थोड़ा सा लिस्टिंग वगैरह करी कि क्या कैसा है। लंच का टाइम हो गया था, लंच करने गए, राइस, दाल, एग करी, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। सो गाइज, लंच वगैरह हो गया है और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था 10 मिनट का, और बस अभी वापस काम पे। और खाना काफ़ी टेस्टी है यहाँ का, कैफेटेरिया का जो फूड है काफ़ी टेस्टी है, तो खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई लंच की, कि कैसा मिलता है क्या मिलता है, तो टेस्ट अच्छा है।
यहाँ पे मैं YouTube पे कुछ शॉर्ट्स देख रही हूँ कि शायद कुछ आइडिया मिल जाए मुझे इवेंट्स के लिए अपने। एंड यहाँ पे आज था बर्थडे, तो मैं आई थी थोड़ा सा देखने की क्या है सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था जो डेकोर टीम है। और उसके बाद मुझे करनी थी PPT रेडी, तो यहाँ पे मैं उसका फाइनल लुक देख रही हूँ कि रेडी होके कैसी लग रही है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अपने PPT में रेडी कर ली हैं, और कुछ रह गई थी जो कि मैंने फिर धीरे धीरे बाद में करी। बज रहे हैं शाम के 7 बज गए हैं और मैं काफ़ी देर से बिज़ी हूँ क्योंकि मुझे बनाना था एक PPT। तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है, अदरवाइज़ सीज़न शुरू होने वाले हैं, यदि कोई क्लाइंट आ गए तो बस कुछ भी डेटा नहीं रहेगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए। तो मैं सोची फटाफट से 2-3 दिन में PPT कंप्लीट कर लेती हूँ और प्रेजेंट कर देती हूँ सर के सामने, जो भी अप्रूवल होगा जैसा भी होगा तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल मैं बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद PPT वगैरह बना रही हूँ क्योंकि एकदम से आदत छूट गई ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट धीरे धीरे थोड़ा यूज टू हो जाऊँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फिर से वही सब चीज़ें, नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं, काफ़ी अपडेटेड चीज़ें हैं अभी। पहले थोड़ा और अलग थी इससे, 4-5 साल पहले जब मैंने इवेंट किया था, अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है अभी। और स्टार्टिंग है तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बट ये एक्साइटमेंट मैं चाहती हूँ कि बना रहे, और इवेंट में बना रहता है क्योंकि हर दिन कुछ नया करने को मिलता है, तो ऐसे बोरिंग काम कुछ भी नहीं है इसमें पूरे टाइम। मतलब ये हर टाइम एक्साइटमेंट रहती है कि अब नया क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो बस अभी थोड़ी देर से मैं निकलूँगी घर के लिए क्योंकि आज मैं जल्दी आ गई थी, तो मेरे 9 घंटे की शिफ्ट है फिलहाल अभी के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, उसके बाद फिर बढ़ जाएगी। तो बढ़िए, तो चलिए फिर अभी काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो सीधा मैं आपको आज ऑफिस में मिल रही हूँ। नहीं सो गाइज, ये है अंशिका मैम, और आप क्या क्या देखते हैं आप बता दीजिए प्लीज। इतना कॉन्फिडेंस का कैसे आता है व्लॉग बनाने का? नहीं यार, तो बता, आप बताओ तू। फिलहाल मैगी बन रही है। अच्छा सो गाइज, मैं आ गई हूँ अभी ऑफिस और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्या हुआ था कि आशित की छुट्टी थी कृष्ण जन्माष्टमी की, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सुबह से, तो बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ यहाँ पे, बट कोई ना, बस अभी काम स्टार्ट करेंगे। और बार बार मैं ऑफिस की चीज़ें नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे, तो मैं सोचती हूँ कुछ थोड़ा नया होगा तो ही दिखाऊंगी, आप लोग से शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। सो मैंने ओपन कर लिया अपना लैपटॉप और अभी स्टार्ट करेंगे काम। यहाँ पे आ गई है मेरी ऑफिस की सुबह सुबह वाली पहली चाय, और उसके बाद मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था यहाँ पे, अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो हम आ गए थे PDR क्योंकि यहाँ पे लंच वगैरह करते हैं, और लंच अभी लगा नहीं था तो हमें वेट करना था, तो हम बैठ के वेट कर रहे थे कि लंच कब आएगा, और बाकी लोग भी नहीं आए हुए थे, सिर्फ हम दोनों ही थे। हम स्टे करते हैं जो यहाँ पे काम, तो उनका कुछ है ऑफ वगैरह 50% या कुछ 30-20 होगा। यहाँ पे हम आए हैं रूम्स वगैरह देखने क्योंकि मैंने नहीं देखा था, तो मुझे प्रॉपर्टी विजिट करना इम्पोर्टेंट था क्योंकि कभी कभी क्लाइंट कुछ डिटेल्स मांगते हैं, तो डिटेल पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के बारे में जहाँ आप काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पता करी, और फिर से मिल गया था मुझे मिरर, तो मैंने अपने आप को भी कैप्चर किया। और रूम्स काफ़ी कोजी थे, ज़्यादा बड़े रूम्स नहीं हैं बट कोजी रूम है, काफ़ी अच्छे रूम्स थे। एंड उसके बाद हमें देखने जाना था एक्चुअली जो कॉटेज वाले रूम थे, क्योंकि यहाँ पे जो पशरिचा रिसोर्ट है यहाँ पे आई थिंक कुछ 9 कॉटेजेस हैं, जहाँ पे 1 कॉटेज में 4 रूम हैं और टोटल 36 रूम्स हैं। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ देख लेते हैं, सारी डिटेल्स ले लेते हैं। तो हम आ गए हैं अभी कॉटेज वाले रूम में, तो यहाँ से एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से देखी, एंड देन उसके बाद यहाँ से सारी डिटेल्स वगैरह लेने के बाद फिर हम गए पूल साइड में, क्योंकि अभी जो कॉटेज वाले रूम हैं उसके साइड बाय साइड पूल भी बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं पूल साइड में पूल वगैरह देखने, एक्चुअली वो अंडर कंस्ट्रक्शन था इसलिए फिर मैंने ब्लॉग में उसे शूट नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई ऑफिस में, एंड देन मैं शाम की पी रही हूँ चाय, आई थिंक इस टाइम पे
पे 6:30 बज रहे थे, साथ में अपना काम भी कर रही थी। उसके बाद में फिर एक्चुअली थोड़ी बहुत यहाँ पे बातें चल रही थी हम दोनों की, एंड देन उसके बाद अभी बज रहे हैं रात में आई थिंक 8:30-9:30 हो रहे थे, मैं निकली घर के लिए और आश्वत और अंशु आए थे मुझे रिसीव करने, तो यहाँ पे दोनों आ गए हैं मुझे लेने। तो ये रहा आश्वत, कुछ फ्लावर वगैरह लेके आया था, एंड उसके बाद मुझे आज जाना था, कुछ ग्रोसरी आइटम ख़त्म थे घर के तो मैं जो ख़रीद लेते हैं, तो अंशु को दिया बैग वगैरह मैंने, उसके बाद मैं और आश्वत आ गए ग्रोसरी ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ली, और आश्वत की डिमांड यहाँ पर आने के बाद एकदम से बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये है आई थिंक कुछ नेक्स्ट डे का क्लिप, शाम का क्लिप है, जब मैं ऑफिस से आ गई थी तो यहाँ पे हम सभी आए थे बर्गर खाने। किला था कहाँ? तो लास्ट वाला है ना, पता है मेरा साइलेंट में ब्लॉग चला जाएगा, कुछ बोलना होता है ब्लॉग में। टेस्ट कैसा है आशु? हाय गाइस, वेलकम बैक। सो काफ़ी दिनों से मैं आप लोग से नहीं मिल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब बिज़ी चल रहा है और मेरा शेड्यूल भी थोड़ा हेक्टिक रहता है, घर जाने के बाद भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। तो फाइनली मैं आज आपसे मिल पा रही हूँ। आज की डेट है 12th ऑफ सेप्टेम्बर, और अभी मैं हूँ बैंक्वेट में, क्योंकि आज है यहाँ पे इंगेजमेंट शाम को, तो वही डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ देखने आए थे कि कैसे क्या हो रहा है। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग मैं अभी कर देती हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है और फिर ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ब्लॉग मैं चाहती हूँ कि आते रहें, आप लोग अपडेट रहें। तो बस ये वाला ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ अंकेश बघेल। सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइज़, बाय, टेक केयर।